अब एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद बारी है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स की। हेलो एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में एरोमेटिसिटी में हमने डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब एरोमेटिसिटी इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद बारी है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। शुरू करते हैं। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा रिंग हो, ठीक है। जहां एक से ज्यादा रिंग हो तो वो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर कह देते हैं। पॉलीन्यूक्लियर बेंजेनॉइड सिस्टम को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारी बेंजीन रिंग्स ज्वाइंट होंगी। तो जो सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम है जिसमें दो बेंजीन रिंग्स ज्वाइन होंगी, क्या कहते हैं उसको? नेफ्थलीन। क्या नाम है इसका? नेफ्थलीन नाम है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को तो हर कोई जानता है। अब नेफ्थलीन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 10 पाई सिस्टम है और 10 पाई सिस्टम हमें पता है हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल को फॉलो करता है तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस वजह से नेफ्थलीन भी जो है वो क्या है? एरोमेटिक है, जैसे कि बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है। अब आ जाओ फिर इसे दो रिंग से ज्यादा पर, तीन रिंग की बात करें तो तीन रिंग में एंथ्रासीन भी देखने को मिलता है और हमें फिनेंथ्रीन भी देखने को मिलता है। ये मॉलिक्यूल क्या है? फिनेंथ्रीन है और ये क्या है हमारा? एंथ्रासीन है। तो एंथ्रासीन क्या है? तीन बेंजीन रिंग है, लीनियर जुड़ी हुई है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 पाई सिस्टम है, फॉलो करेगा हक्कल रूल को? यस, 4n+2 सिस्टम बनता है 14 पर भी। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4n+2 सिस्टम बन रहा है, हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, तो एरोमेटिक हो गया। अब एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन में सिर्फ रिंग की पोजीशन का फर्क है। एंथ्रासीन में तीनों लीनियर थी और फिनेंथ्रीन में ऊपर चली गई, तो सिस्टम ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, 4n+2 को सूट कर जाएगा और ये भी एरोमेटिक है। ये सिस्टम भी क्या है हमारा? एरोमेटिक सिस्टम है। तो बेंजीन भी एरोमेटिक, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक। तो लेकिन इसमें फर्क क्या है, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ है? मेन दिक्कत कहाँ है हर जगह कि क्वेश्चन कहाँ है? जहां ये पता चल गया कि इससे सवाल क्या आएगा, फिर हर टॉपिक आसान है। क्योंकि एट द एंड तो क्या करना है? सवाल अटेम्प्ट करना है। सवाल अटेम्प्ट भी ऐसे करना है कि नंबर मिले पूरे, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। अब सवाल ये आता है कि अगर बेंजीन एरोमेटिक है, नेफ्थलीन एरोमेटिक है और एंथ्रासीन एरोमेटिक है, तो एंथ्रासीन जो है वो कुछ रिएक्शन शो कर देता है जो नॉर्मल पॉलीइन्स की होती हैं। ऐसा क्यों? एंथ्रासीन क्यों रिएक्टिविटी शो कर रहा है जबकि हमने तो बेंजीन के टाइम ये कहा था कि बेंजीन तो ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करता, किसी भी ऐसी रिएक्शन में नहीं जाता जहां उसको एरोमेटिसिटी लूज करनी पड़ जाए, और बहुत रिएक्शन करता है। पर एरोमेटिसिटी अगर खतरे में हो तो वो रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। एंथ्रासीन लेकिन कुछ वैसी सी रिएक्शंस दे देता है, तो चलो आज डिस्कस करते हैं। अब नेफ्थलीन है 10 पाई एरोमेटिक सिस्टम, एंथ्रासीन फिनेंथ्रीन 14 पाई एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब अगर दो बेंजीन रिंग को जोड़ के हमने नेफ्थलीन बनाया, ठीक है, तो दो बेंजीन रिंग में अलग अलग अगर मेरे पास दो बेंजीन रिंग हो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेफ्थलीन में कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस एनर्जी कम है किसमें? नेफ्थलीन में। तो इस वजह से नेफ्थलीन जो है वो दो बेंजीन रिंग के कंपैरेटिव कम स्टेबल है। तो अगर अब हम आगे किस पर आ जाए? एंथ्रासीन पर। तीन बेंजीन रिंग को जोड़कर बना एंथ्रासीन, तीन बेंजीन रिंग अकेली हो मेरे पास तो 6 × 3 = 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं तीन बेंजीन रिंग हो तो। लेकिन अगर मैं बात करूं एंथ्रासीन या फिनेंथ्रीन की, उसमें तो हमने कहा कि सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस एनर्जी कम है इसके पास। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स की रेजोनेंस एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी भी कम ही रहेगी। स्टेबिलिटी कम रहेगी तो क्या होगा? रिएक्शंस शो कर देगा। लेकिन उसके पीछे भी अलग खेल है, ठीक है। चाहे तीन रिंग्स की एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, लेकिन यहां देखो अब रिएक्शन में, इस रिएक्शन को देखो हुआ क्या। आपने एंथ्रासीन लिया और इसको रिएक्ट करा दिया ब्रोमीन से, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्ट करा दिया। हमें पता है एल्कीन जब ब्रोमीन से रिएक्ट करती है तो एल्कीन के दोनों कार्बन पे एक एक जगह ब्रोमीन लग जाता है। तो अब यहां देखो, यहां पर भी क्या हुआ? एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आके लग गई,
एक ब्रोमीन इस कार्बन पे आके लग गई। अब यही स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्यों बना, यही स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसलिए बना, 1,4 एडिशन इस वजह से हुई यहां पर 1,2 एडिशन की जगह, क्योंकि जैसे ही 1,4 एडिशन हुई ना, इस रिंग को देखो, ये एक अलग बेंजीन रिंग बन गई, ये एक अलग बेंजीन रिंग बन गई। और अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि जब आइसोलेटेड बेंजीन रिंग होती है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है आपकी नेफ्थलीन से भी और एंथ्रासीन से तो बहुत ही ज्यादा। इस वजह से एंथ्रासीन स्पेसिफिक वैसी ऐसी रिएक्शंस बहुत जल्दी शो कर देता है जिसमें आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन जाएंगी। आइसोलेटेड, दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन रही है तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और आपका एंथ्रासीन बहुत इजीली ब्रोमीन गैस से रिएक्ट कर जाता है। सिमिलर रिएक्शन फिनेंथ्रीन भी शो करता है, फिनेंथ्रीन में लेकिन 1,2 एडिशन होगी। ठीक है, स्पेसिफिकली इसमें 1,2 और उसमें 1,4 क्यों हो रही है, रीजन एक ही है कि दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बनानी है। बस फर्क इतना है कि इसमें दो बेंजीन रिंग आइसोलेटेड बनाने के लिए एडिशन 1,4 हो तब बनेगी, इसमें दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग तब बनती है अगर 1,2 एडिशन हो, तो इस वजह से अलग अलग एडिशन शो करते हैं, रीजन एक ही है। क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट व्हाई एंथ्रासीन शोज द एडिशन लाइक पॉलीइन्स, एल्कीन्स की तरह शो रिएक्शन करता ही क्यों है, पहले तो ये बताओ। फिर दूसरा सवाल पार्ट टू उस क्वेश्चन का कि एंथ्रासीन में अगर रिएक्शन हो रही है तो एंथ्रासीन में 1,4 होती है और फिनेंथ्रीन में 1,2 होती है, तो ये भी एक्सप्लेन करो। रीजन दोनों का एक है कि दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बननी है, बस दोनों आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बनने का तरीका अलग अलग है, इस वजह से उसमें 1,4 एडिशन है ब्रोमीन की और फिनेंथ्रीन में क्या है 1,2 एडिशन है। जितनी डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, जितने नाम ऐसे बड़े बड़े लिख के आओगे 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन नंबर, उतने ही अच्छे मिलेंगे। सबको पता है कि एंथ्रासीन एरोमेटिक है, कोई भी बच्चा एग्जाम में जो केमिकल साइंस ऑप्शनल लेके बैठा होगा, कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे ना पता हो कि वो एंथ्रासीन एरोमेटिक है या नहीं है। लेकिन एक्सप्लेनेशन जितनी अच्छी करोगे कि यहां पर 1,4 एडिशन है, यहां 1,2 एडिशन है, वहीं पर हमें बाकियों से आगे निकलना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर देंगे एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन की रिएक्शन बहुत आसानी से। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। अब बात आ गई किसकी, पायरीन की। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस करते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, ठीक है, ये भी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 है, तो सर 16 तो 4n हो गया, 4 × 4 = 16, तो अब अगर 4n सिस्टम है तो ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये सिस्टम जो है एरोमेटिक है। इसका रीजन मैंने पहले भी बताया है आपको कि हम सिर्फ उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कॉन्जुगेशन मान लो यहां से शुरू करी मैंने, तो ये ऐसे जाएगी, यहां से चल रही है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन यहां तक पहुंच गई और ये फाइनल यहां, तो बाहर बाहर वाले आउटर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स थे सारे इन्वॉल्व हो गए, लेकिन ये जो महाराज थे ये पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया, तो सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4n प्लस 2 सेटिस्फाई होता है और ये एरोमेटिक हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से इसको देखोगे तो काउंट करोगे 20, लेकिन एक एंड यूज नहीं होगा तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा और 4n प्लस 2 हो जाएगा। इसको काउंट करोगे तो 24 निकल के आएंगे, पर अगेन एक डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करेगा और आपका 22 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये कंपाउंड अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कुछ भी नहीं है, एक पायरीन है, पायरीन के ऊपर एक बेंजीन रिंग और जोड़नी है। ठीक है, पायरीन है, पायरीन को ड्रॉ करो और यहां पर एक बेंजीन रिंग और ड्रॉ कर दो, वही बन जाएगा। फिर पायरीन के यहां पर एक और दो बेंजीन रिंग आ जाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो वो भी हो जाएगा। रीजन एक ही रहेगा, ये पायरीन का सेंटर वाला जो बॉन्ड है बस ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाकी सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो है आपकी पायरीन, बेंजो पायरीन, डायबेंजो पायरीन, सारी की सारी पायरीन जो है ये क्या हो जाएंगी, एरोमेटिक हो जाएंगी। सारी की सारी पायरीन क्या होंगी,
एरोमेटिक होंगी। चलो आगे चलते हैं ट्रोपोन और ट्रोपोलोन में, जो कि सिलेबस में स्पेसिफिक वर्ड मेंशन किया गया है ट्रोपोलोन। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देनी है डायरेक्ट आपको, रिलेटिव पूछ लेंगे कि एरोमेटिसिटी शो करेगा नहीं करेगा, शो करेगा तो कैसे करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये तो सिंपल सिस्टम है, सेवन मेंबर रिंग है, इसका नाम क्या है, दिस इज ट्रोपोन, ये क्या है, ट्रोपोन है और ये ट्रोपोलोन है। ठीक है, ट्रोपोन भी पता होना चाहिए क्या है, ट्रोपोलोन भी पता होना चाहिए क्या है, ट्रोपोन है और ट्रोपोलोन है, बहुत आसान है, ट्रोपोन ट्रोपोलोन। ठीक है, सिंपल क्या है, सिक्स छह तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन, इस ये बॉन्ड ऐसे क्लीव होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब डबल बॉन्ड आपका यहां यहां यहां, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसा बन गया, अगर मैं इस ऑक्सीजन को इग्नोर कर दूं तो बाकी ट्रोपाइलियम का कटायन दिख रहा है ना, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन को हाइड कर दूं तो बाकी चीज क्या बचती है, ट्रोपाइलियम का कटायन। ट्रोपाइलियम का कटायन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो जाएगी, कॉन्जुगेशन है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर तो एरोमेटिक सिस्टम है, और अगर ये सिस्टम एरोमेटिक है तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ट्रोपोन में डायपोल मूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो ट्रोपोन अच्छी खासी डायपोल मूवमेंट शो करेगा, ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज्ड होगा, ये बॉन्ड पोलराइज्ड रहेगा क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है यहां पर, अगर एरोमेटिसिटी आ रही है तो ये बॉन्ड पोलराइज्ड रहेगा और डायपोल मूवमेंट शो करेगा। और उसका ये भी रीजन है कि ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर यहां पर कार्बन होता, जैसे कि आगे जाएंगे फुलवींस में, वहां पर देखेंगे कि एरोमेटिक करेक्टर आ भी रहा होता है तब भी इतनी सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दोनों कार्बन कार्बन होते हैं, यहां पर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ही है, प्लस ऊपर से एरोमेटिसिटी की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है या नेगेटिव, तो बहुत एनहांस्ड डायपोल मूवमेंट देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये मत बताओ कि ट्रोपोन एरोमेटिक है या नहीं, एक्सप्लेन व्हाई ट्रोपोन शोज अ सिग्निफिकेंट डायपोल मूवमेंट, और वहां पर ये भी नहीं लिखा होगा कि ये क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का है। तो ट्रोपोन ड्रॉ करना है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे सारे बना के आने हैं, मैंने तो यहाँ नहीं ड्रॉ किए, ये यहां जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, चलो अगली स्लाइड पर ले लेते हैं। अब ये जाएगा इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर है, अगर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां आ जाएगा अगली में, इसको मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं जल्दी से, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये O- हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, ठीक है, इसको यहां मूव करा देना, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहां मूव करा देना, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता जाएगा, जहां जहां एरोमेटिसिटी का सवाल आएगा वहां वहां तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोगे, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ही एरोमेटिसिटी का बेस है। अगर रेजोनेंस है तो एरोमेटिसिटी है, रेजोनेंस नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है। तो अगर एरोमेटिक आ रहा है तो रेजोनेंस रही होगी, रेजोनेंस है तो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रोपोन। अब बात आगे किसकी, ट्रोपोलोन की, यहां बात कर लेते हैं हम किसकी, ट्रोपोलोन की। अब ट्रोपोलोन की अगर बात करनी है तो ट्रोपोलोन में भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन में आ जाएगा, पर वो भी रिंग में नहीं जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी रिंग में नहीं जा रहा है, वो डबल बॉन्ड बनाएगा, रिंग के बाहर ही रहेगा, रिंग के बाहर रहेगा तो एरोमेटिक हक्कल रूल में काउंट नहीं करना है। तो ये यहां जाएगा, ठीक है, अब अगर ये यहां जाएगा तो उसके बाद ये यहां मूव करेगा, ठीक है, ये यहां मूव करेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो जल्दी से। सेवन मेंबर्ड रिंग है हमारी, यहां डबल बॉन्ड एज सच है, अभी ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, OH पॉजिटिव हो गया, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड हो गया।
ठीक है। अब पूरी की पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है, सारे के सारे कार्बन sp2 हैं, प्लेनर हैं, और सिस्टम में आपके ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई, रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक सिस्टम। तो ट्रोपोन भी एरोमेटिक है, ट्रोपोलोन भी एरोमेटिक है, ठीक है। ट्रोपोन ट्रोपोलोन के बाद आ जाती है बारी हमारी सिडनॉन की। अब किसकी बारी है, सिडनॉन की। ये भी एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, क्लास ऑफ कंपाउंड है सिडनॉन्स, ठीक है, पर इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अकेले को सिडनॉन बोलते हैं। तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो और काउंट करवा दो पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कराने हैं, ठीक है, इस ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि मोनोवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, मोनोवेलेंट है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा क्योंकि इस कार्बन पे चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं रह सकते, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अब यहां पर रिंग क्या है हमारी, ये NH पॉजिटिव है, यहां डबल बॉन्ड N था, यहां ऑक्सीजन है, और ये आ गया अब डबल बॉन्ड O, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये जैसे ही डबल बॉन्ड यहां मूव हुआ तो यहां पर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, तो इस डबल बॉन्ड को यहां मूव होना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 5 मेंबर्ड रिंग है, फिर से इस N को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका इसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हुआ तो एक बॉन्ड टूट गया, तो ये जैसा पहले था वैसे का वैसे रहेगा, और ये ऑक्सीजन है, यहां डबल बॉन्ड O था, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट करा दिया, और यहां एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज यहां गया, ठीक है। तो अब काउंट कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिस्टम में, ठीक है। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उठा लो, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अकेला अकेला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेगा कि मैं एरोमेटिक हूं, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। तो एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर किसका, ऑक्सीजन का, वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहां पर इंटरनल रेजोनेंस देखो, सिर्फ इस टाइम पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक 2 4 6। सो ईच एंड एवरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिपिक्टिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है, क्या हो गया, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। और ये एग्जांपल किसका था, सिडनोन का। ट्रोपोन डिस्कस हुआ, ट्रोपोलोन डिस्कस हुआ, सिडनोन डिस्कस हुआ, अब बारी किसकी आ गई, फुलवीन की, ठीक है। फुलवीन है हमारा लास्ट टाइप का एग्जांपल कि इसमें एरोमेटिसिटी होती है नहीं होती है, डायपोल मूवमेंट होगी तो कैसी होगी, ठीक है। अब फुलवीन्स जो है, एक बात और याद रख लो, सिडनॉन कई बार डायरेक्ट नाम नहीं लिखा आता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिडनॉन्स क्या है, इनको मीजोआयनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, मीजोआयनिक कंपाउंड्स। और मीजोआयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, डायपोलर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये स्पेसिफिक नाम याद रख लो कि कभी कभी वो डायरेक्ट सिडनॉन नाम नहीं देंगे, क्या दे देंगे, मीजोआयनिक कंपाउंड में एक्सप्लेन करो एरोमेटिसिटी, डायपोलर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक्सप्लेन करो एरोमेटिसिटी। तो एक्सप्लेन किसको करना है, हमने सिडनॉन्स को ही करना है। तो सिडनॉन्स हो गए, बारी आ गई थी किसकी, फुलवीन्स की, ठीक है। ये क्लास ऑफ कंपाउंड है फुलवीन्स, जब आपके पास एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो और उसके पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लगा हुआ हो CH2O से, ठीक है। तो सब में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं पेंटाफुलवीन। 5 कार्बन की रिंग है ना, पेंटाफुलवीन, हेप्टाफुलवीन, ट्राइफुलवीन, ठीक
ठीक है, ट्राइफुलवीन, पेंटाफुलवीन, हेप्टाफुलवीन, ओके, बट दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फुलवीन, स्पेसिफिक दिस, ओके, फुलवीन्स इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड एंड स्पेसिफिक फुलवीन कंपाउंड इज दिस पेंटाफुलवीन, ओके, नाउ अब एरोमेटिक है या नहीं है, बात तो वहां है, ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड्स है ना, ये इतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी नहीं शो करते, ये कंपाउंड्स, दीज आर नॉट वेरी हाईली एरोमेटिक, वाई, क्योंकि ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड इतना इजीली पोलराइज नहीं होता, इतना इजी पोलराइज नहीं होता, तो क्या है, ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग शो करते हैं, लोकलाइज्ड का मतलब है आपको यहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर दिखेगा, यहां डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर, पर हां रिलेटिव एरोमेटिक बिहेवियर कंपेयर किया जा सकता है कि कौन थोड़ा सा ज्यादा एरोमेटिक होगा और कौन थोड़ा सा कम एरोमेटिक होगा, नाम किसी को नहीं दे सकते कि हम ये कि ये फुल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज शो करता है, पर रिलेटिव एरोमेटिसिटी कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव एरोमेटिसिटी कंपेयर करनी है तो किस तरह से करेंगे, अब यहां पर देखो, अगर मैं इस CH2 को पोलराइज करूं आपको इस डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 2, 4, 6 सिस्टम बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 सिस्टम बन जाएगा, और तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब यही देखो खेल यहीं पर है, अगर मैं इधर नेगेटिव दे रहा हूं 6 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आए तो प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाएगा, अब प्राइमरी कार्बोकैटायन इतना स्टेबल नहीं होता, इस वजह से चाहे इधर हल्का सा एरोमेटिक करेक्टर आ भी रहा है तो ये CH2 कहेगा नहीं तू तो एरोमेटिक हो जाएगा, मेरा क्या, मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनना चाहता, इसलिए पोलराइजेशन नहीं होती, तो अब फिर अगर पोलराइजेशन नहीं हो रही, इतना एरोमेटिक करेक्टर नहीं है तो फुलवीन्स पढ़ने ही क्यों हैं, अगर फुलवीन्स एरोमेटिक ही नहीं है तो फुलवीन्स पढ़ने क्यों हैं, लेकिन फुलवीन्स की एरोमेटिसिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है, सिलेबस में भी है, लेकिन तो क्वेश्चन आता कैसे है, चलो क्वेश्चन की बात करेंगे, अब हम लेंगे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिया है बिल्कुल बहुत पुराने एग्जाम से 13 साल पहले जो 2011 में आया था, ओके, इट केम इन 2011 एग्जाम एंड देन विल डिस्कस अ क्वेश्चन दैट हैज कम इन द मोस्ट रीसेंट एग्जाम इन 2023, एक क्वेश्चन 2023 का डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन 2011 का डिस्कस करेंगे, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि एरोमेटिसिटी चैप्टर 2011 में भी इंपॉर्टेंट था और आज 2023 में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन वही आएगा जो हमने इस चैप्टर में अब तक पढ़ लिया है, जल्दी से आ जाओ, देखो देखो अब 2011 में क्या पूछा जा रहा था, 2011 में पूछ रहे थे कि बता दो बेसिक कौन है ज्यादा, फुलवीन है ना सिस्टम, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड विद अ एक्सटर्नल डबल बॉन्ड, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो सिस्टम क्या हो गया, फुलवीन हो गया, अभी फुलवीन पढ़ी है हमने, और क्वेश्चन देखो डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी है, कौन नॉन एरोमेटिक, बेसिक ज्यादा कौन है बस वो एक्सप्लेन करना है, आ जाओ फिर ले लेते हैं एक्सप्लेनेशन की बेसिक ज्यादा कौन है, अब बेसिसिटी किस वजह से है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, बेसिसिटी किसकी वजह से है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से है, तो अब नाइट्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहां करेगा और ये यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहां डोनेट करेगा और ये यहां जाएगा सिस्टम, अब तो फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पर, फाइव मेंबर रिंग है और फुलवीन टाइप सिस्टम NME2 pH, पहली रिंग ये है, अब पहली रिंग ये है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां डोनेट, ये यहां, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पर pH एज सच, ठीक है, एक तो ये बन गया सिस्टम, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मॉलिक्यूल क्या था देख लो, दूसरे मॉलिक्यूल में सिर्फ 5 मेंबर्ड की जगह अब 7 मेंबर्ड रिंग है, बाकी सिस्टम सेम है, तो बना देते हैं 7 मेंबर्ड रिंग भी, 7 मेंबर्ड रिंग में ऐसा क्या खास है, लो अभी ड्रॉ कर देंगे, 3 पाई बॉन्ड्स, एक एक्सटर्नल पाई बॉन्ड, NME2 और pH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास भी है
इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर दो, ये यहां, ये यहां, तो सेवन मेंबर रिंग यहां ड्रॉ करेंगे। सेवन मेंबर रिंग जैसे ही ड्रॉ हुई, ये तीन पाई बॉन्ड तो एज सच हैं NMe2 PH। अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहां दिया था तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूटा तो ये माइनस चार्ज। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉन रिचनेस क्रिएट होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब कंपेयर कर लो। अब जब अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो ये जो सिस्टम है ये किस तरह का सिस्टम क्रिएट हो रहा है, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्रिएट हो गया। अगर क्या क्रिएट हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया, तो एरोमेटिक करेक्टर इज अवेलेबल। कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं लिखकर आओगे फुलवीन में जब भी डिस्कशन होगा, क्या लिखेंगे, एरोमेटिक करेक्टर इज अवेलेबल। थोड़ा सा स्लाइड एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, एरोमेटिक करेक्टर उसमें आ रहा है। पर अगर हम यहां बात करें तो अब ये 2, 4, 6, 8 एट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है सेवन मेंबर रिंग के साथ, तो कैसा आ रहा है, एंटी एरोमेटिक करेक्टर इज अवेलेबल। ठीक है, एंटी एरोमेटिक करेक्टर अवेलेबल है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एंटी एरोमेटिक करेक्टर बिहेवियर है, तो अगर एंटी एरोमेटिक है तो ये रेजोनेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर एंटी एरोमेटिक बिहेवियर है तो रेजोनेंस नहीं होगी, हमें पता है। अगर वो नॉन एरोमेटिक रहना प्रेफर करेगा, अगर रेजोनेंस नहीं हो रही है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो फ्री पड़ा है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक करेक्टर थोड़ा सा भी जो आ रहा है उसमें इन्वॉल्व रहेगा और बेसिसिटी उसकी कम हो जाएगी, तो ये जो होगा लेस बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके एरोमेटिक करेक्टर दे रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि रेजोनेंस में अगर गया तो एंटी एरोमेटिक बिहेवियर आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, फ्री रहेगा। क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर फ्री रहेगा तो ये मोर बेसिसिटी शो करेगा, दिस सिस्टम विल बी मोर बेसिक। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे फुलवीन्स पे, ट्रोपोलोन्स पे, सिडनॉन्स पे, एजुलीन्स पे, एनुलीन्स पे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट डिटेल में देके आनी है, हर जगह कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, और फिर बेसिसिटी हमें पता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ज़्यादा बेसिक होगा, जब फ्री नहीं होगा इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में तो वो लेस बेसिक हो जाएगा। तो इस बेसिस पर हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा ज्यादा बेसिक है कौन सा नहीं है। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन आया था 2011 में। ठीक है, 13 साल पहले आया था ये क्वेश्चन, और देख लो तब भी यही पूछा जा रहा था। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं 2023 के सबसे रिसेंट पेपर पर। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, आज भी एरोमेटिसिटी के सवाल पूछे जा रहे हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस से पूछी जा रहे हैं, और वही सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार सारे कर लिए तो कोई भी कंटेंट नया देखने की जरूरत तुम्हें नहीं है। आ जाओ फिर अब इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर सर सवाल है क्या यहाँ पर, अब इस बार नाम दे दिया रेट ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस बार बेसिसिटी नहीं है। जैसे हमने पिरिडीन की रिडक्शन डिस्कस की थी ना, यहां पर हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन डोनेट करने को। ठीक है, अगर हाइड्रोजन डोनेट करने की रिएक्शन है तो ये कह रहा है कि ए कंपाउंड जो है ना उसमें तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, 6000 टाइम्स फास्टर देन बी, तो इसको एक्सप्लेन करो कि बी में क्यों नहीं हो रही। ठीक है, बी में नहीं हो रही, ए में हो रही है। तो चलो फिर पहले हाइड्रोजन एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज होने के बाद जो है फिर हम वो देखेंगे कि ए में फास्टर क्यों है और बी में फास्टर क्यों नहीं है, यही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, अब हाइड्रोजन निकलता कहां से है, सबसे पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एच पॉजिटिव तो डोनेट होना है, पर कौन सा एच पॉजिटिव, हमने पढ़ा है
कि जो कार्बोनिल के साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है, द अल्फा हाइड्रोजन टू कार्बोनिल आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू बी डोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अगर बेस से अटैक कराया जाए तो कार्बोनिल के साथ वाला जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो रिमूव हो जाता है। तो हम यहां पर अगर बेस डालेंगे, ठीक है, तो बेस डालने पर अब ये कार्बोनिल है, इसके साथ एक तो फिनाइल का कार्बन होगा, बेंजीन रिंग के कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा होगा अगर वहां की टोन लग गया तो दूसरा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, जो यहां पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके रिमूव होते ही बनेगा क्या, अब ये बनेगा ये सिस्टम, ठीक है, और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहां ओ नेगेटिव बन जाएगा। इस तरह के आयन को नाम क्या देते हैं, इनोलेट आयन्स, क्या नाम देते हैं, इनोलेट आयन्स, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं इसका, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया ये, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, और इसका नाम क्या है, इनोलेट आयन है, इन है, और आपका ये ओएट आ गया, ठीक है, इनोलेट आयन बन गया। अब इनोलेट आयन बन गया तो यहां से तो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया, अब बारी आती है उसकी, यहां भी हाइड्रोजन एक्सचेंज कराओ, यहां भी बेस क्या रिएक्ट कराओगे, पीएच यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब तक तो दिख ही गया होगा, जिसने ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया उसे अब तक तो पता चल गया होगा कि इसमें ए में रिएक्शन फास्ट क्यों हो गई, बी में क्यों नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि अब देख लो रीजन, ध्यान से सुन लो, इस सिस्टम को देखो, रिंग सिस्टम को देखो, रिंग में कॉन्जुगेशन है, नहीं है, रिंग में कॉन्जुगेशन है ही नहीं, और रिंग में अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो यह सिस्टम कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, यह सिस्टम कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो सर फिर भी ए में फास्टर है, ए आप कह रहे हो एरोमेटिक ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक है फिर भी ए में फास्टर, ऐसे कैसे, ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर बी को देखोगे तो बी में टू और टू फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और हमें पता है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो चुका है। और अगर हाइड्रोजन एक्सचेंज के बाद, हाइड्रोजन रिमूवल के बाद सिस्टम ने एंटी एरोमेटिक हो जाना है तो ये रिंग कहेगी मुझे हाइड्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर मैंने हाइड्रोजन दे दिया तो मेरे पास एंटी एरोमेटिक करेक्टर आ जाएगा, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। इस वजह से बी में जो है ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, और इसमें जो रिएक्शन है वो फास्ट चली जाएगी, वो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि कितना फास्ट, 6000 टाइम्स फास्टर, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनना है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आने के बाद, एच पॉजिटिव निकलने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन पेयर आया, सिस्टम में अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं थी, तो ये नॉन एरोमेटिक रह गया, नॉन एरोमेटिक रह गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, जो ये एंटी एरोमेटिक होना कभी भी नहीं चाहेगा। अगर एंटी एरोमेटिक होना नहीं चाहेगा तो इसमें रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके साथ साथ अब हम, ये क्वेश्चन कहां से आया था, 2023 से, लेटेस्ट एग्जाम, वन ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एरोमेटिसिटी। सो एक बहुत पुराना क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, एक बहुत नया भी डिस्कस हो गया, और हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है अब एरोमेटिसिटी में, एनुलीन्स, एजुलीन्स, ट्रोपोलॉन्स, फुलवीन्स, सिडनॉन्स, एवरीथिंग, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम तक, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का काफी कुछ डिस्कस हो गया, अब इसके बाद मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ। लाइक करो वीडियो को ताकि ऐसा कंटेंट आता रहे। थैंक यू।